सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यहां पर कंपेयर करने वाला हूं दो नए स्मार्टफोन को। यहां पर जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है यहां पर इन्फिनिक्स का हॉट 8, और यहां पर जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है यहां पर वीवो का U10। अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो यहां पर जो इन्फिनिक्स का हॉट 8 है इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है लगभग यहां पर 6,999 रुपए के आसपास। अगर बात करता हूं वीवो के U10 की प्राइस, तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है लगभग यहां पर 12,000 रुपए के आसपास। अब देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन यहां पर बेस्ट होता है, और इन दोनों स्मार्टफोन में से सबसे कम प्राइस रेंज में किस स्मार्टफोन में आपको यहां पर ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, बात करता हूं डिस्प्ले की। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन्फिनिक्स के हॉट 8 की, तो यहां पर आपको 6.52 इंचेस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला HD+ डिस्प्ले यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है। यहां पर मैं बात करता हूं वीवो के U10 की, तो यहां पर आपको 6.3 इंचेस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD डिस्प्ले यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर मैं बात करता हूं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, वहीं पर बात करता हूं अगर मैं यहां पर इन्फिनिक्स के हॉट 8 के बारे में, तो यहां पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करता हूं वीवो के U10 की, तो यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। बात करता हूं अगर मैं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट के बारे में, तो यहां पर जो इन्फिनिक्स का हॉट 8 है इसमें आपको लगभग 6,999 रुपए के प्राइस में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करता हूं अगर मैं वीवो के U10 की, तो यहां पर आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और मैं बात करता हूं अगर मैं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो यहां पर जो इन्फिनिक्स का हॉट 8 है इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। यहां पर जो मेन सेंसर दिया गया है वो है 13 MP प्लस 2 MP का एक और कैमरा यहां पर दिया हुआ है। बात करता हूं अगर मैं यहां पर वीवो के U10 की, तो यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर जो मेन सेंसर है वो है 13 MP का प्लस 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा यहां पर दिया हुआ है। बात करता हूं फ्रंट कैमरे के बारे में, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको यहां पर 8-8 MP का फ्रंट कैमरा विद वाटर ड्रॉप नॉच यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बात करता हूं बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहां पर जो इन्फिनिक्स का हॉट 8 है इसमें आपको 5000mAh की जो बैटरी है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। मैं बात करता हूं वीवो के U10 की, और यहां पर भी आपको 5000mAh की जो बैटरी है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, अगर बात करता हूं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको यहां पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो कि यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन में आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन यहां पर बेस्ट होगा। तो अगर देखा जाए इन्फिनिक्स के हॉट 8 को, तो इसमें आपको काफी कम प्राइस रेंज में आपको काफी ज्यादा फीचर्स यहां पर एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा क्वालिटी जो दी गई वो सेम टू सेम है। रैम वेरिएंट अगर मैं बात करता हूं रैम की, तो यहां पर आपको स्टोरेज और रैम काफी ज्यादा यहां पर देखने के लिए मिलती है वीवो के U10 के। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल अगर यहां पर देखा जाए तो जो इन्फिनिक्स का हॉट 8 है वो एक बेस्ट स्मार्टफोन यहां पर निकल कर के आता है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में। आशा करता हूं छोटी जानकारी को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।